हैप्पी न्यू ईयर और एक बार फिर से नए साल में आप सबको मैं फिर से स्वागत करता हूं करियर कोच में शुभांकर ऑन प्राइम टीवी। दोस्तों नया साल आ चुका है और अब आएंगे कुछ नए नए सवालात, कुछ नए नए करियर के वो आयाम हम जैसे अब तक हमेशा से पहुंचाते आए हैं और जिसके बारे में आप लोग कम जानते हैं। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो है एक बच्चे की बिल्कुल शुरुआती जिंदगी की। इंजीनियर और डॉक्टर तो सब बनाना चाहते हैं, लेकिन एक इंजीनियर और डॉक्टर की शुरुआत कैसी होनी चाहिए उसको निर्धारित करने के लिए अलग अलग तरीके के स्कूल्स बनाए गए हैं जिसको हम कहते हैं प्री स्कूल्स। तो आज हम बात करेंगे प्री स्कूल्स के बारे में। प्री स्कूल्स की आखिर दरकार क्या है? एक बच्चा जब अपने घर से निकलता है कैसे करके अपने पेरेंट्स को छोड़ करके एक नई दुनिया में ढल जाता है और उसकी ये जो शुरुआत है, क्योंकि एक बार बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो अगला 7-8 घंटा उसे एक दूसरे स्कूल में, दूसरे माहौल में बिताना पड़ता है। तो क्या आपका बच्चा उस माहौल के लिए तैयार है? कैसे समझेंगे आप? आज के दिन भी अगर हम अपने बच्चों के बारे में याद करें, अपने बचपन के बारे में याद करें, तो सबसे ज्यादा याद आती है कि जिस समय माता पिता ने पहली बार छोड़ा होगा और उस समय हम लोग जो मिस करते हैं अपने परिवार को, अपने घर को, माता पिता को जाने नहीं देते, माता पिता खुद से बच्चों को नहीं छोड़ पाते हैं, ग्रिल पकड़ के खड़े रहेंगे, ये वो एक्सपीरियंस है जो हर माँ बाप ने किया है और यही चीज हम लोग को जोड़ती है प्री स्कूल्स के साथ या प्री स्कूलिंग के साथ। बात जब प्री स्कूलिंग की आती है तो कहीं ना कहीं बात होती है फाउंडेशन की, नींव की, क्योंकि वहीं पे आपके बच्चे के करियर का नींव ढल रहा है। दोस्तों ये तो एक बात हो गई कि प्री स्कूल्स की जरूरत क्या है बच्चों के लिए, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो पिछले एक दशक में या पिछले 15 साल में अगर मैं कह लूं तो हमने देखा प्री स्कूल्स बहुत तेजी से मशरूमिंग हुई। किसी भी एक अच्छे कॉलोनी में अगर आप जाते हैं तो आप एक प्री स्कूल आपको जरूर दिख जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी में और आपकी जिंदगी में भी प्री स्कूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जब हमारे सामने कोई एक नेसेसिटी आती है, हम लोग कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, वहां से चीजें नई नई सामने आती है, एक बिजनेस का एक विजन सामने आता है और इसी तरीके से डेवलप हुआ प्री स्कूल का विजन, प्री स्कूल का बिजनेस। बुरा जरूर लगता है साहब, आज के दिन में हम लोग कहते हैं कि एजुकेशन हैज बिकम अ बिजनेस, लेकिन मैं एक बात सोचता हूं और ये बात को कहता भी हूं कि साहब बिजनेस को बुरा क्यों मानते हैं? Why can't education become a business? And why shouldn't education be a business? कोई व्यापारी अपने व्यापार के साथ गलत नहीं करता। ये हमारी सोच होती है, जहां पे हम लोग सोच लेते हैं कि अगर हम किसी चीज को व्यापार के माध्यम में ढाल लेते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग होती है, लेकिन साहब मनी मेकिंग नहीं होती, वहां से वो जरूरतें भी पूरी होती है और वहां से कई मकान, कई घर और कई घरों के आय चलते हैं। उन टीचर्स के बारे में सोचिए जो वहां पे प्लेस्ड है, उस बिजनेसमैन के बारे में सोचिए जिसने सब कुछ छोड़ के उस एजुकेशन में अपना एक करियर बनाने की सोची। तो आइए आज हम इन सारी बातों पर, बच्चे के लिए इंपॉर्टेंस, प्री स्कूल एज अ बिजनेस, प्री स्कूल्स में जरूरतें क्या है और इसके साथ साथ कुछ और बातों पर जैसे कि मेमोरी बिल्डिंग। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आधी चीजें हम लोग भूल जाते हैं उम्र के साथ साथ, हम कहते हैं अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं आता। तो ये सब जानने के लिए आज हम लोग मिलते हैं तुषार चेतवानी जी के साथ। तो आइए चलते हैं करियर काउच में शुभांकर, लेकिन आज प्रश्न पूछेंगी शिमुल। तो चलते हैं शिमुल के पास, ओवर टू यू शिमुल। शुभांकर जी, तो आज हमारे स्टूडियो में है तुषार चेतवानी जी जो कि है जनरल सेक्रेटरी फॉर प्री स्कूल एसोसिएशन ऑफ लखनऊ एंड उसी के साथ साथ ही इज अ प्राउड डायरेक्टर ऑफ लिटिल मिलेनियम स्कूल जो कि पिछले 13 साल से तुषार जी रन कर रहे हैं। तो आज जो हमारा मेन चर्चा है वो है प्री स्कूल के ऊपर। ये प्री स्कूल है क्या, इसकी ज़रूरत है क्या? तो तुषार जी वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। तो सर अगर प्री स्कूल के लिए मैं बात करूँ कि आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन, तो सर बताइए
क्यों प्री स्कूल की जरूरत है? देखिए, प्री स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चा पहली बार अपने पेरेंट्स के बगैर जाता है और यहाँ से ही उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे ही इज़ लुकिंग फॉर अ मदर मोर देन अ टीचर। सो माँ को खोजता है और पेरेंट्स के बगैर रहना सीखता है। उसको सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, उसको स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है, उसको और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट ये एक ऐसी जगह है बिकॉज यहाँ पे बहुत कम बच्चे होते हैं, कम स्ट्रेंथ होती है, टीचर्स हमारे बहुत सारे होते हैं और स्पेशलिस्ट होते हैं। ये लोग स्पेशलाइज करते हैं इतने छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए, ताकि उनका एडजस्टमेंट टाइम कम से कम हो और स्कूल को इंजॉय करें। जब वो फॉर्मल स्कूल जाएं, उससे पहले वो पूरी तरीके से स्कूल को प्यार करना सीख चुके हों और एट द सेम टाइम जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक फॉर्मल स्कूल जाने से पहले की, वो उनकी पूरी हो चुकी हों। तो सर, व्हाट इज़ द राइट एज ग्रुप फॉर प्री स्कूल? सी, अगर हम इसको बेटर तरीके से समझना चाहें तो राइट एज हर बच्चे के हिसाब से अलग होती है। जैसे कब एक बच्चे को स्कूल भेजें, देखिए एज अ पेरेंट आपको ये ऑब्जर्व करना होगा, जब बच्चे की एनर्जी घर में इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप एज अ पेरेंट उसको राइट डायरेक्शन में हैंडल नहीं कर पाए, चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, सो दैट इज़ द टाइम यू नीड टू सेंड योर चाइल्ड टू अ प्री स्कूल। इट कैन बी 2 years, इट कैन बी 2.5 years, इट कैन बी 3 ऑल्सो, बट वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि 2-2.5 साल के बीच में पेरेंट्स को ये चैलेंजेस आने लगते हैं और दैट इज द टाइम व्हेन दे शुड स्टार्ट सेंडिंग द चाइल्ड टू अ प्री स्कूल। एक्चुअली बिकॉज दैट इज द टाइम जहाँ पे सुपर हाइपर होते हैं बच्चे, एंड बीइंग पेरेंट ऑब्वियसली किसी को भी अपना बच्चा जो है, हर किसी को अपना बच्चा परफेक्ट दिखता है, बट व्हेन ही कम्स टू द प्री स्कूल आई थिंक तभी जाके समझ में आता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि फॉर्मल स्कूल जाने से पहले प्री स्कूल में आना ज़रूरी है, बट आई थिंक आजकल हर एक फॉर्मल स्कूल में भी प्रीपरेटरी सेक्शन है। तो सर कैसे, लाइक कैसे पेरेंट को प्री स्कूल में भेजना चाहिए, जो कि आपका आई थिंक प्री स्कूल मींस प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी, बट ये सारे सेक्शंस जो है एक नॉर्मल फॉर्मल स्कूल में भी है। सो व्हाई अ स्पेशलिस्ट प्री स्कूल, राइट? दैट इज योर क्वेश्चन। सी, कैन आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन? डेफिनेटली। फॉर इंस्टेंस, इफ यू हैव पेन इन योर बोन्स, यू विल गो टू अ फिजिशियन और यू विल गो टू अ ऑर्थोपेडिक। सो सिमिलरली, preschool is a place wherein we specialize in handling such small kids. Hamare teachers, hamare staff, hum log khud un chote bachcho ko hi handle karne ke liye hai. So we specialize in that and hamara forte hi wahi hai. So kaise hame handle karna hai, I think I have answered your question with that example that his wife is not physician and why an orthopedic. Yeah. So former school mein 15 साल तक के बच्चे रहते हैं, मतलब 3 साल का बच्चा और वो अगले 15 साल तक फॉर्मल स्कूल में रह रहा है। सो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, वो मॉनिटरिंग है कि नहीं है, आई हैव नॉट सीन दैट, बट व्हाट वी नो कि हमारे यहाँ कम बच्चे, मोर टीचर्स, मोर अटेंडेंस, मोर फोकस, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड नंबर ऑफ थिंग्स। सो प्री स्कूल जो बच्चा करता है वो धीरे 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 एडजस्ट होता है स्कूल में और उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। सो प्री स्कूल इज़ अ मस्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड। सो सर, आपने जो बोला कि कम बच्चे होते हैं, तो सर लगभग एक प्री स्कूल में जो है स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होता है? देखिए, जो एक स्कूल है, एक प्री स्कूल, प्री स्कूल में हर 20 बच्चे पे एक टीचर होती हैं, ये मान के चलिए कि हम लोग लेके चलते हैं, बट ये क्लास वाइज वैरी करता है। जब आप प्ले ग्रुप क्लास में जाते हैं, अगर हम सोचें कि एक प्ले ग्रुप में जो बच्चा पहली बार स्कूल आया, उसके लिए हमने सिर्फ एक अपने बेंचमार्क बना लिया कि नहीं 20 बच्चों पे ही एक टीचर होगी, तो इट विल नॉट वर्क। सो प्ले ग्रुप क्लास के लिए टाइम्स वी गिव अ टीचर ऑन एवरी 6 चाइल्ड। या बिकॉज जब एक बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो वो आई थिंक वो ज़्यादा रोता रहता है, तो उसको सेटल करने में भी आपको हेल्पर्स होंगे आपके पास।
So what I'm trying to say is there is nothing is fixed in a preschool that yes, we will follow this benchmark that 20 children and one teacher. It varies from situation to situation. There are many situations wherein we have kept two teachers for five kids also. But वो starting के phase पे होता है, जैसे आपने कहा जब बच्चा school आया, that is the time when he's been separated, अपने parents से separate किया गया, उस समय उसकी requirement ज़्यादा है एक adult की, उस समय हमने उनको adults extra दिए, teachers वहाँ पे हुए, और जब बच्चा settle हो गया, तो हम लोगों ने वापस उसको अपने class module में लेके गए। I think this is a wonderful way कि पहले बच्चा preschool आए, training ले expert से, and then उसके बाद वो formal school में जाए। क्या होता है जो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा बच्चों को सेटलमेंट इशू ही ज़्यादा होता है कि लेकिन जो प्री स्कूल में जो मॉन्टेसरी ट्रेनिंग या फिर जो प्ले वे मेथड जो होते हैं वो बच्चे को और ज़्यादा एडजस्ट करवाता है। सो सर इसी के साथ मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये जो बच्चा जो एक बार प्री स्कूल ज्वाइन करता है एंड देन फॉर्मल स्कूल में जाता है तो उसकी जो आगे की जो ग्रोथ है उसमें आप कैसे देखते हो कि क्या फ़र्क पड़ता है कि प्री स्कूल कम्प्लीट करने के बाद जो बच्चा फॉर्मल स्कूल में जा रहा है एंड डायरेक्टली एक बच्चा वहाँ पे जाता है तो डिफरेंस तो ज़रूर आप लोगों को समझ में आता होगा। करेक्ट, चलिए इसको भी एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों को एक पार्टी में जाना है, देयर इज अ पार्टी जहाँ पे देयर आर 10 पीपल इन द पार्टी एंड देयर इज वन प्लेस वेयर इन देयर आर 500 people in the party. So where will you be more comfortable? You will be more comfortable wherein there are 10 people, known people whom you people are recognizing. So formal school में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसकी वजह से personal attention कम होता है। Preschool में हम लोग personal attention पर focus करते हैं और जब ये personal attention पर focus किया जाता है तो बच्चे की जो अपनी खुद की जो personality है वो ज़्यादा निखर के आती है, better तरीके से आती है, अपनी चीज़ों को रखना सीखता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है, अपने हिडन पोटेंशियल को समझ पाता है, टीचर्स उसे अंडरस्टैंड कर पाती हैं और उसकी उस हिसाब से पॉलिशिंग होती है। और यहाँ से जब हमें फॉर्मल स्कूल में जाने का समय आ जाता है, हमारी टीचर्स मेंटली बच्चे को रिहर्स कराती रहती हैं, मेंटली उसको प्रिपेयर कराती रहती हैं, नाउ यू आर मूविंग टू अ फॉर्मल स्कूल, दीज आर द डूज एंड दीज आर द डोंट्स व्हेन यू आर गोइंग टू अ फॉर्मल स्कूल। सो बच्चे की एक माइंड प्रोग्रामिंग होने लगती है कि यहाँ से वहाँ तक जाने का ट्रांजिशन की प्रिपरेशन, नॉट लाइक कि आज बच्चा घर पे है पेरेंट्स के साथ और डायरेक्टली हमने एक फॉर्मल स्कूल भेज दिया। चाइल्ड डजंट नो कि हम कैसे हज़ार लोगों के बच्चे में बिहेव करेंगे। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक प्री स्कूल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसमें 2 से 5 साल के बच्चे रहते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ फॉर्मल स्कूल वेयर इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो has a student of 2 years also and has a student of maybe a 12th class also. So we need to understand ki ye chote bacche chote group ke saath rehne ke liye hi better performance hoga. So that I think isse inka jo foundation jo neev hai I think bahut majboot zyada hoti hai. Correct, very true. Yeah sir, अभी मैं एक बहुत ही important topic जो कि I think COVID के ऊपर चर्चा करूंगी कि कोविड में जो है प्रीपरेटरी स्कूल्स हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शटडाउन हुए हैं एंड आगे भी क्या फ्यूचर है, तो आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए जब कोविड आया तो प्री स्कूल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, फॉर्मल स्कूल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे और पेरेंट्स तो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। बट फॉर्मल स्कूल्स में बच्चों की फीस आ रही है एंड प्री स्कूल में इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। देखिए फॉर्मल स्कूल और प्री स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि फॉर्मल स्कूल में लोग मान के चलते हैं कि देयर इज नो एस्केप, हम यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे बच्चे को पढ़ाना ही है। विड्रॉल इज नॉट वेरी इजी इन अ फॉर्मल स्कूल। प्री स्कूल को अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ये मान के चलते हैं कि अगर गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई बात नहीं। बट तुषार सर, प्री स्कूल की अगर मैं फीस स्ट्रक्चर देखूं, बहुत कन्वीनियंट फीस स्ट्रक्चर है, बट फिर भी पेरेंट्स अवॉइड करते हैं कि प्री स्कूल में नहीं भेजना है। तो आई डोंट थिंक कि इस पे कभी चर्चा हुई भी है। देखिए मैं आपको बताऊं, प्री स्कूल मैंने जैसे 13 इयर्स बैक वी स्टार्टेड, तो
प्री स्कूल्स की फीस व्हाट आई फील शुड बी मच मोर देन अ फॉर्मल स्कूल. व्हाई? बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट अ फॉर्मल स्कूल देयर आर 50 किड्स इन अ क्लास एंड जिसमें कोई हेल्पर्स भी नहीं होते हैं. हेल्पर्स भी नहीं है और यहाँ पे हर 15-20 बच्चे पे तो एक टीचर है, एक क्लासरूम है, देन देयर आर सीसीटीवी कैमरास इनसाइड द क्लासरूम एंड अदर एक्सपेंसेस आर मच मोर. यस, सो शुड बी मच मोर. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन कि पेरेंट्स अब इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि ऑल द पेरेंट्स आर एस्केपिंग फ्रॉम द प्री स्कूल. हाँ, कोविड का सिचुएशन आया, पेरेंट्स वर नॉट वेरी क्लियर कि हमारा बच्चा बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा. तो बेसिक चैलेंज वॉज ऑनलाइन क्लास को हैंडल करने के लिए प्री प्राइमरी के पेरेंट्स के लिए जो मेजर चैलेंज था कि हमें अपने बच्चे के साथ बैठना पड़ रहा है. ऐसा नहीं था कि वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं सीख पा रहा, बट मेजर चैलेंज वॉज कि हमें बैठना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ. तो पेरेंट्स वर नॉट रेडी फॉर दैट. हमने देखा है कि बहुत ही खूबी के मतलब आई शुड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आपने और आपके टीम ने जिस तरीके से बच्चों को एंगेज करके रखा है. आई पर्सनली सीन दैट. सो इट टेक्स अ ह्यूज यू नो एफर्ट. बट द बेस्ट पार्ट वॉज बिलीव मी चैलेंजेस तो आएंगे इफ यू आर रनिंग एनी थिंग. तो चैलेंजेस तो आएंगे बट आप उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं. तो वी हैव अ प्री स्कूल एसोसिएशन हियर इन लखनऊ एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्री स्कूल ओनर्स इन दैट एसोसिएशन. कुछ बहुत ओल्ड लोग भी हैं जो 65-70 ईयर्स के हैं एंड दे आर रनिंग अ प्री स्कूल. दे आर नॉट सो टेक्नो सैवी. सो व्हाट वी डिड, वी ऑल कोलैबोरेटेड टुगेदर, हेल्प्ड ईच अदर कि कैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लें. एक दूसरे को हेल्प किया एंड within a week our all the preschools in our association were there online. Okay. And unfortunately hamare preschool association mein jitne bhi members the usme bahut kam members aise the jinko discontinue karna pada apne school ko. zyadatar log karne lage and parents were also happy but challenges the kyunki फॉर्मली अगर हम समझें कि प्री स्कूल जो है प्री स्कूल में जाके बच्चा जितना सीखता है और ऑनलाइन सीखने में देयर इज नो कंपैरिजन. ये कह सकते हैं कि बिकॉज़ सबसे बड़ा टास्क है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे बच्चों को तो सम वन हैज टू बी देयर विद द चाइल्ड. यस, एंड जब तक लॉकडाउन था, जब तक वर्क फ्रॉम होम था, तब तक पेरेंट्स के लिए फिर भी ईजी था. जब वो लॉकडाउन हटा और स्कूल नहीं खुले, पेरेंट्स के ऑफिस खुल गए, there came the challenge for our teachers also. More monitoring was required from our teachers side. ghar pe koi dekhne wala nahi, so kai situations to aise the ki bachcha akele ghar pe hai. Yeah. And nobody is there. Our teachers were there to look after them. So difficult phase tha covid ka, but finally we are back to offline class and it's quite normal now. And believe me, abhi jab school khul raha tha, khulne ki baat ho rahi thi, ये कहा जा रहा था कि प्री स्कूल में कैसे आप कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे. बिलीव मी, कम टू आवर स्कूल, कम विजिट एनी ऑफ आर प्री स्कूल एसोसिएशन मेंबर, यू विल सी द प्रोटोकॉल दैट आर बीन फॉलोड. दैट इज़ वन. सेकेंडली, इट इज़ सो इजी फॉर अस टू फॉलो द प्रोटोकॉल बिकॉज वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हमारे स्कूल में अगर एक क्लास में 15 बच्चे हैं, फॉर्मल स्कूल में एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं. सो दे हैव एंड द ड्यूरेशन इज लेस. हमारे स्कूल पे ड्यूरेशन कम है, वहाँ पे ड्यूरेशन 5-6 घंटे के होते हैं. सो वेरी इजी टू मैनेज अ प्री स्कूल चाइल्ड इनसाइड अ प्री स्कूल विद कोविड प्रोटोकॉल. सो पेरेंट्स नीड नॉट वरी, योर किड्स आर इन सेफ हैंड्स. तुषार सर, जैसे कि आपने बताया कि बच्चे सेफ हैं एंड आप लोग कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं, प्री स्कूल एसोसिएशन के द्वारा बार बार सब सारे स्कूल्स को समझा जा रहा है, बट डोंट यू थिंक इट इज़ अ ह्यूज टास्क टू लेट द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि ये कोविड प्रोटोकॉल क्या है, सेफ्टी क्या है. एक छोटे बच्चे को, 2-2.5 साल के बच्चे को मास्क कंपल्सरी करना, सो हाउ डू यू मैनेज इट? देखिए, बहुत आप लोगों को लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. रीज़न बीइंग, जब पेरेंट्स आपके पास बच्चा भेजते हैं, पेरेंट्स ने भी एक होमवर्क किया होता है. पेरेंट्स अपने बच्चे को घर पे बताते हैं मास्क नहीं उतारना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है. और आप लोगों को लगता है कि 2 साल का बच्चा नहीं समझ रहा, लेकिन वो हर वो चीज़ समझ रहा होता है जो आप कर रहे होते हैं. आपके एज अ पेरेंट
घर पे जो भी आप बात करते हैं वो टीचर को पता रहती है यहाँ पे. सो किड्स आर वेरी क्लियर, दे एक्सप्लेन. मास्क उतारने की बात है, कई बार ऐसा होता है, आप यू आर नॉट रॉन्ग इन दिस, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मास्क उतारना चाहते हैं एंड देयर कम्स द रोल ऑफ द टीचर, देयर कम्स द रोल ऑफ द अटेंडेंट, दैट इमीडिएट बेसिस पे वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि हाँ भाई बच्चे ने मास्क पहना है कि नहीं पहना है. और 90% स्टूडेंट्स तो उतारते ही नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम किड्स जो उतारते हैं और इमिजिएटली टीचर्स को मॉनिटर करना पड़ता है. इसीलिए अभी कोविड प्रोटोकॉल्स के टाइम पे क्लास की स्ट्रेंथ भी हम लोगों ने कम की हुई है. तो सो तुषार सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि व्हाट अबाउट अ न्यू प्री स्कूल सेटअप. प्री स्कूल एज अ करियर अगर मैं बोलूँ, जो न्यू स्कूल सेटअप करना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका विजन है? पहली चीज़ तो यह है कि प्री स्कूल को हम लोग बिजनेस ना समझें. प्री स्कूल शुड बी अ पैशन, आपका पैशन होना चाहिए एंड वी आर हेयर टू एजुकेट किड्स. हम एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहली बार बच्चा अपने पेरेंट्स को छोड़ के आता है. कमर्शियल एंगल इज देयर सर्टनली, बट एट द सेम टाइम आप इसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ना समझें. अगर आपने सिर्फ बिजनेस समझा तो आप कभी भी रन नहीं कर सकते, बिलीव मी. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे एजुकेशन इम्पार्ट करनी है, इस बच्चे को हमें पेरेंट्स से अलग एक नई दुनिया में लेके जाना है और उसे नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करना है. सो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो चाहे कोविड हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे डेल्टा हो, आप हर चीज़ को हैंडल कर ले जाएंगे. लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स के लिए सोच रहे हैं तो मे बी इट बी लिटिल डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू. सो सर, फॉर एग्जाम्पल इफ I plan to open a preschool. मैं अपना करियर इसमें बनाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहले तो बच्चों को प्यार करना आना चाहिए. सो अगर आप बच्चों को प्यार कर सकते हैं, बच्चे के साथ आपका लव एंड अफेक्शन है, तो आप मेरे से बेहतर प्री स्कूल रन कर सकते हैं. सो एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, फाइनेंशियली भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ वन इंडस्ट्री विद वन प्रोफेशन विच विल नेवर गो. आप याद कीजिए, आज जब हम 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जब स्कूल की बात करते तो क्या प्री स्कूल इस लेवल पे थे? नहीं. जब मैंने स्कूल खोला 13 इयर्स पहले तब भी क्या थे? इस लेवल पे नहीं, बहुत कम, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू. सो आज क्यों इतने ज़्यादा हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. पहले जॉइंट फैमिली, देयर आर 50 पीपल इन द फैमिली, 10 किड्स इन द फैमिली. आज की डेट में हाउ मेनी आर देयर इन द फैमिली? वन चाइल्ड. मम्मा पापा बोथ वर्किंग, ग्रैंड पेरेंट्स मे देयर और मे नॉट बी देयर, और मे बी वो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं. सो चाइल्ड हैज टू गो टू अ प्री स्कूल, देयर इज नो एस्केप. सो दिस इज अ नोबल प्रोफेशन, बट तभी आए इस प्रोफेशन में जब आप बच्चों को प्यार करते हो. तो तुषार सर, आप ही के जवाब से मेरा मिलता जुलता जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सपोज आई हैव अ पैशन टुवर्ड्स लाइक किड्स एंड आई नो कि मुझे कैसे किड्स को संभालना है. तो जैसे कि आप एक फ्रेंचाइज ओन कर रहे हैं पिछले 13 साल से, तो आप क्या राय देंगे कि जो एक प्री स्कूल डायरेक्टली ओपन करे या फिर एक फ्रेंचाइज के थ्रू ही आगे बढ़े, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? सी, ऐसा कोई भी रूल बुक नहीं है कि फ्रेंचाइज आर मोर सक्सेसफुल और इंडिविजुअल प्री स्कूल ओनर्स आर लेस सक्सेसफुल. ऐसा कोई वो नहीं है. आप देखेंगे हर शहर में आपको बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो जिन्होंने फ्रेंचाइज नहीं ली हुई है, बट स्टिल दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द स्कूल, इन द सिटी, एंड नॉट ओनली इन लखनऊ, बट यू सी एनी सिटी, यू सी कि टॉप पे जो आपको 5 अगर प्री स्कूल्स को नेम करने होंगे तो आपके 3 फ्रेंचाइज होंगे और 2 आपके इंडिविजुअल ब्रांड्स भी होंगे. सो मेरा मानना ये है, आप स्टार्ट प्री स्कूल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले किसी के साथ काम करिए, लर्न What is required in a preschool? पहले सीखिए, उसके बाद ओपन करिए. Doesn't matter whether it is a franchise or not a franchise. You can take the step forward if you have the experience of handling the kids. Yeah. So, मैं आप लोगों को तुषार जी के बारे में एक और भी बात बता देना चाहती हूँ कि तुषार जी एक मेमोरी एक्सपर्ट है. तो सर, कैसे ये जर्नी जो है प्री स्कूल के साथ साथ, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? What is this memory expert thing? See, memory expert की बात अगर मैं करूँ तो जब आप कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, if there is a problem, comes the opportunity, right?
When I was in school, I used to forget everything. मैं चीज़ें भूल जाता था, एग्जामिनेशन हॉल में जाके चीज़ें याद नहीं आती थी, बाहर निकल के याद आ जाती थी. सो जब ऐसा मेरे साथ होता था, सो मुझे लगता था देर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ माई मेमोरी. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड लेस इंटरेस्ट इन स्टडीज़. तो जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी, इसमें पता चला कि ये बड़ा आसान है, ये मेथड्स हैं, सिंपल मेथड्स हैं, अगर इसको समझ गए तो पढ़ना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. एंड देन आफ्टर दैट इन 2008 आई स्टार्टेड गिविंग लेक्चर्स इन स्कूल्स, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देन कॉलेजेस, देन अदर प्लेसेस आल्सो. एंड मेमोरी इज़ समथिंग, अगर आप जितना खुश हैं तो आपकी मेमोरी उतनी अच्छी होगी. सो आई वॉन्ट एवरी वन, ऑल द व्यूअर्स ओवर हियर to be happy always if they want a good memory. Yeah. So ye memory develop kaise karte hain aap? Dekhiye, koi bhi cheez yaad karne ka bada simple method hai ki agar koi nayi information aapke paas aayi, kisi old information se jaake connect ho gayi aapke brain mein, to uske yaad rehne ki possibility kai guna badh jati hai. But students kya karte hain? Students jab bhi koi information aati hai to usko ratte hain, baar baar repeat karte hain. Yes. I'll give you an example. For instance, if I have to memorize a country and a capital, or maybe places and minerals, तो मैं कैसे याद करूँगा? I'll give you a small demonstration so that you people also can do the same when you're studying. Okay. तो मान लीजिए there is a country called Bulgaria and there is a capital called Sofia. Bulgaria and Sofia. Now, if you have to memorize as a student, so आप कैसे memorize करेंगे? Bulgaria, Sofia. Bulgaria, Sofia. Bulgaria, Sofia. I will not do it like this. Okay. I want कि आप ऐसे करें कि अब ये आजीवन जब भी आप नींद से उठें तो बुल्गेरिया सुनते ही आपको सोफिया याद आए. तो कैसे होगा? बुल्गेरिया, अपने आप से पूछिए क्या इस वर्ड के अंदर कुछ जाना पहचाना है, तो आपको याद आएगा बुल गिर गया, राइट? तो सोफिया इज द कैपिटल, सोफिया से मिलता जुलता सोफा. तो बुल गिर गया, कहाँ गिर गया? सोफा पे. दैट इज अ क्लोज कनेक्शन नाउ. So that is how we memorize, make it little funny, interesting, so that your concentration level increases and the retention is more. Because memory is how to memorize things fast, how to retain it for a longer period of time, and how to recollect things at the right time. And at the same time, कैसे कोई चीज़, ज़्यादा चीज़ें मेरे दिमाग में अगर मुझे लग रही हैं तो कुछ चीज़ों को डिलीट करें, so that we have a perfect balance. So that is there. तो ये जो आप सेशंस लेते हैं या फिर मैं बोलूँ मेमोरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आपके, सो व्हाट इज़ द करेक्ट एज जहाँ पे जो है पेरेंट्स को बच्चों के साथ मिलके ये आई थिंक प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, द अर्लियर द बेटर, बट एट द सेम टाइम देर इज नो रेलिवेंस बिटवीन द एज. देखिए, मेमोरी इज यूज इट और लूज इट प्रोपोजिशन. आप याद, अगर आप मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी काम करेगी, मेमोरी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी काम नहीं करेगी. सो आई वॉन्ट कि आप लोग सब चीज़ों पे निर्भर होना कम करिए, रादर देन अपने आप को, अपनी मेमोरी को यूज़ करने की उसमें डालिए. कोई भी नाम आए, कोई भी चीज़ आए, ऑन द स्पॉट मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, रादर देन राइटिंग इट डाउन समवेयर और मोबाइल में नंबर नोट करना. कोशिश कीजिए, अच्छे से याद होगा. आई थिंक इसके साथ कंसंट्रेशन की भी बहुत जरूरत है. करेक्ट. तो आप इसके साथ साथ डू यू लेट द किड्स नो कि कैसे कंसंट्रेट कैसे किया जाए? बिकॉज पेरेंट्स आज के डेट में सबसे ज़्यादा परेशान है कि बच्चे कंसंट्रेट ही नहीं करते हैं, तो उसी के वजह से आई थिंक मेमोराइज नहीं होती है चीज़ें. देखिए, मुझसे जब भी कोई पूछता है कि कंसंट्रेशन इज अ प्रॉब्लम विद माई चाइल्ड, तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछता हूँ, क्या बच्चा टीवी देखता है? तो दे सेड यस, 3 घंटे 4 घंटे देखता है, और पीछे से आवाज़ बोलो तो भी नहीं सुनता है कि मेरा नाम क्या है, राइट? सो व्हेन यू आर स्टडीइंग, व्हाई नॉट दैट काइंड ऑफ अ कंसंट्रेशन जैसा आपका टीवी में होता है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसंट्रेशन आपका तभी बढ़ेगा, बिकॉज कंसंट्रेशन इज द की. कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगा जब पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगी. बट बच्चा जब पढ़ रहा होता है पीरियोडिक टेबल 104 अदर फोडियम 99 इज आइंस्टाइनियम 20 इज कैल्शियम 22 इज टाइटेनियम 24 इज क्रोमियम, ऐसे याद करने के लिए उसको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लग रहा होता है. सो जो मेमोरी टेक्निक्स होती हैं, जिसको हम लोग न्यूमोनिक्स कहते हैं, वो आपके पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकता है. मेरे यूट्यूब चैनल पे आई हैव मेंशन नंबर ऑफ मेथड्स ऑन दिस, तो दे कैन जस्ट टेक द एडवांटेज. सो योर यूट्यूब चैनल इज डॉक्टर तुषार चेतवानी. यू कैन सर्च मी एंड सर्टेनली यू विल गेट मेनी टिप्स ऑन मेमोरी टेक्निक्स. एंड एट द सेम टाइम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, इवन
करियर सेलेक्ट करने का मेरा तरीका क्या है, सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. क्वाइट इंटरेस्टिंग. आई थिंक जिसको भी ज़रूरत है मेमोरी बिल्डिंग की, तो आई थिंक डॉक्टर तुषार चेतवानी को ज़रूर सुनिएगा. तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ सही डायरेक्शन में उनको समझाएं कि कैसे कंसंट्रेट करनी है, एंड कंसंट्रेशन से ही जो है मेमोरी लिंक्ड है. एंड उसी के साथ साथ हम लोगों को बहुत अच्छे से तुषार सर ने बताया प्री स्कूल एज अ करियर भी कैसे आप लोग चूज़ कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द बेसिक इम्पॉर्टेंस ऑफ अ प्री स्कूल इंडस्ट्री. तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ करियर काउच विद शुभांकर. थैंक यू. बाय बाय.